Baby, smile. अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे थे ना शादी में, ये मेरे जो फादर इन लॉ है ना उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड के घर में शादी थी। बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग थी ये शादी। यूनिक इसलिए कि आपको आगे पता चलेगा कि इसमें क्या अलग था, एंड काफ़ी मज़ा आया और थोड़ा अच्छा सा टाइम पास भी हो गया था हम लोगों का। फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो ये हमने एंटर किया है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ गर्ल्स खड़ी है ड्रेस्ड अप एंड डॉल्ड अप। और ये एंटर होते ही सामने स्टेज है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन है। और पर्सनली मुझे ना ओपन लॉन्स वाली शादियाँ ज़्यादा पसंद है कि घुटन एंड एवरीथिंग नहीं होती है इतनी, एंड इतना सारा कुछ हैवी ज्वेलरी एंड ड्रेसेस पहने होते सब लोग ने, ये वजह से। और आते ही प्यास भी बहुत लगी थी, तो फिर वेलकम ड्रिंक तो बनता है, तो मैंने अपना ये वेलकम जूस ले लिया था। और यहाँ पे ब्राइड और ब्राइडग्रूम का जो सेशन होता है फोटोग्राफी का कुछ पोजेज में, तो वो सारा चल रहा था, काफ़ी क्यूट लग रहा था माशाल्लाह। फिर यहाँ पे हमें दिखा था एक कॉफ़ी काउंटर, जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ थी, क्योंकि हमेशा शादियों में ना या तो पानी पूरी काउंटर होता है, जलेबी काउंटर होता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने कॉफ़ी काउंटर देखा था। तो बच्चों को पीना था कॉफ़ी, उनको शौक चढ़ा था, तो फिर हम गए थे वहाँ पर कॉफ़ी लेने के लिए। ब्राउन शुगर भी है उसमें, दो कॉफ़ी दे दे, शुगर ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आइस टी का भी टावर था, और ये कुछ हेल्दी ग्रीन टीज और डिप डिप टीज थे। और ये मेरा देवर मुबस कॉफी एंजॉय करते हुए स्माइल कर, अहमद हाय, नहीं दिस इज आइस टी बेबी स्माइल। और मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी ये व्लॉग देख रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फिलहाल, एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ये थी वो यूनिक चीज़ जिसके बारे में मैं स्टार्ट में बता रही थी। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा शादी का इवेंट देखा है जिसमें थाल टाइप का कुछ क्यूज़ीन सर्व हो रहा है। तो ये हैदराबादी थाल था, एंड यहाँ पे ये गाजर का हलवा है, बहुत अच्छा और बहुत रिच था फ्लेवर में। एंड देन हमें यहाँ पे सीताफल क्रीम विद आइसक्रीम ये लोगों ने सर्व की थी। तो ये जो थाल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, एंड बहुत यूनिक और बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार कि यहाँ पे दम बिरयानी थी यार, इमेजिन आजकल मुस्लिम शादियों में बिरयानी तो रखते ही नहीं है, एंड बिरयानी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सीरियसली, बिकॉज़ आई एम फ़ैन ऑफ बिरयानी। और फिर मेरी फैमिली बैठी थी खाने के लिए, तो ये था हमारा टेबल। ये जो अंकल है ना, ये हमारे फादर इन लॉ के फ्रेंड है, तो उनके घर की शादी है। एंड फाइनली ये हमारा थाल आ गया है जिसमें दम आलू है चटपटे वाले, एंड कुछ प्लेट्स हैं एंड फोक्स है। एंड केटरिंग शादी में जाफर भाई से हुई थी। ये कोल्सलो टाइप सैलड था, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या नाम था, बट मुझे कोल्सलो लग रहा था और काफ़ी अच्छा था, चिकन भी था इसमें। ओवरऑल फूड वाज डैम यम। और ये प्रॉन्स सर्व हो रहे थे हमें, वो आलू भी काफ़ी टेस्टी थे, प्रॉन्स फिश देन मटन का ब्रेन कबाब्स थे, तो सब अभी इसमें आएंगे एक के बाद एक ना, इट्स जस्ट माउथ वाटरिंग। ये ब्रेन कबाब्स थे। फिर ये था फिश फ्राई, ये मेरा प्लेट है। फिर ये सेव पूरी तो सबकी जान थी, आती ही टेबल से गायब हो गई, पता नहीं सबने खा ली फटाफट, बहुत अच्छा था। और इसमें था मटन का कुछ तंदूरी टाइप सा, एंड देन वी गॉट कीमा एंड मटन करी।
अलॉन्ग विथ तंदूरी रोटी एंड रुमाली रोटी। चाइनीज लवर्स के लिए चिकन पॉट राइस भी थे। और फाइनली मेरी जान इज हियर, चिकन दम बिरयानी। और फिर ये था डिज़र्ट, गर्मा गर्म गाजर का हलवा था और फिर ठंडी ठंडी सी ये सीताफल क्रीम विद आइसक्रीम। सो इस तरह से हमारा डिनर जो था वो एंड हुआ और बहुत मज़ा आया था, बहुत टेस्टी था। सो फाइनली ये है हमारे ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम। तो जो भी देख रहा है प्लीज़ इनके लिए दुआ करें कि ये लोग हमेशा खुश रहें, अच्छे से इनकी लाइफ जाए। एंड काफ़ी अच्छा लगा था इस मैरिज में, काफ़ी यूनिक सी थी एंड सच में यूनिक थी। मैंने कभी ऐसी मैरिज एंजॉय नहीं की है, बहुत सारी मैरिजेज में गई हूँ बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसलिए मुझे ज़्यादा यूनिक लगी। एंड जो मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड है दस्तगीर अंकल, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, हमारे हर फैमिली फंक्शन में वो रहते हैं नो मैटर वॉट। सो फाइनली फंक्शन को हमने अटेंड करके ख़त्म हो गया एंड देन वी वेर हेडिंग आउट। ये बाहर का डेकोरेशन जो था मैंने बताया था पहले, बस फिर हम निकल गए एंड बाहर आके वी वेर वेटिंग फॉर उबर। एंड यहाँ पे जो बलून्स एंड ऑल देख के मेरा बेटा पागल हो रहा था, सो वी गॉट हिम वन। बस फिर ये अपनी बुआ के साथ खेल रहा था सर पे मार मार के। सो गाइस दिस वाज ऑल एंड अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।